प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 8 मार्क का आएगा, वरना शॉर्ट नोट 4 मार्क का आता ही है। इसके हर एक पॉइंट का मैं डिटेल्ड बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, और ये सारे के सारे पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, जिसमें मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये सातों के सातों पॉइंट आपका 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएगा। पर पहले मैं ये 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आके आपको स्टोरी बताऊंगा। नाउ इंश्योरेंस, डू यू एग्री, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कितने पार्टीज? टू पार्टीज। एक को बोलेंगे इंश्योरर, दूसरे को बोलेंगे इंश्योर्ड। दोनों के बीच क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और भाई रिलेशनशिप नहीं होता, क्या होता है दोनों के बीच? कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या है? आप जब इंश्योरेंस निकालते हो, लाइफ इंश्योरेंस, तो वो सबसे पहले सवाल पूछेगा, भाई आपको कोई बीमारी तो नहीं? आपको बताना पड़ेगा। और बाद में आपने बताया नहीं, एक फूटी कौड़ी देंगे नहीं। फिर सवाल पूछेंगे, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड है कि नहीं? उसके बाद हाँ, मैं सुनते जा, मैं तेरे को पूरा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। आपको जवाब देना पड़ेगा, आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर हो, आप ड्रिंक करते हो ड्रिंक नहीं करते हो, आपको पूरा डिटेल। अच्छा, मेरा एक दोस्त चंद्रू करके एक है, सपोजेडली उसके हार्ट में एक होल है, एग्जाम्पल, उसने नहीं बताया। बाद में कुछ इश्यूज आते हैं, इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं देंगे। और एक और चीज, ये सवाल नहीं, मेडिकल साइंस बहुत आगे है। सुसाइड, आप सोचते हो भाई मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं, मैं सुसाइड करता हूं, लेकिन एक दिन पहले आपने LIC निकाला 10 लाख का, जिंदगी का आखिरी पुण्य करके जाता हूं, आप सुसाइड कर लेते हो और सोचते हो 10 लाख रुपया का इंश्योरेंस निकाला, फैमिली को 10 लाख मिलेगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, उसका टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है पहले साल सुसाइड में 1 रुपया नहीं मिलना है। और अब हाँ, 1 साल बाद पॉसिबल है एक, लेकिन अगेन टर्म्स एंड कंडीशन देख लो। तू तो 1 साल बाद सोच रहा है, बेटा तेरा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है, ना कोई ब्रेकअप ना कुछ, तेरा जिंदगी बहुत, नो सुसाइड, जिंदगी मस्त जीने का, बहुत मोमोज खाने हैं। और एक और चीज, नी रिप्लेसमेंट, पता है ना नी रिप्लेसमेंट? आप सोचते हो 25,000 का इंश्योरेंस भरा और 5 लाख का, दोनों घुटने का 5 लाख का खर्चा आता है, घुटना नी रिप्लेसमेंट, और एक घुटने का 2 लाख आता है। आप 25,000 भरते हो, सोचते हो कल नी रिप्लेसमेंट। SBI वाले बोलेंगे 3 साल तक आप प्रीमियम भरो, उसके बाद ही हम अलाउड करेंगे, 3 साल तक तो आप रुक नहीं पाओगे। अच्छा, HDFC के पास गए, वो 2 साल का है। तो लोग फायदा ना उठाए, इसलिए फॉरेन में बहुत फायदा उठाया गया है। एक वाइफ अपने हस्बैंड का LIC निकालती है, हस्बैंड बोलती है कम स्वीटहार्ट लेट अस गो टू द माउंटेन, माउंटेन में जाकर धक्का दे देती है और इंश्योरेंस से पैसे लेती है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड केसेस फॉरेन में हुए, इंडिया में भी आपको लाइन से केसेस मिल जाएंगे। क्या? लेकिन मर्डर किया है ना आपने, डेलिबरेट, यदि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है आपका, हस्बैंड को मार के तू शादी करता है, वाइफ का इंश्योरेंस निकालता है 10 लाख रुपया, वाइफ को उड़ा देता है और तेरे को 10 लाख मिलके ऐश लाइफ मालदीव जाता है, नो, वो फ्रॉडुलेंट, तेरा इंटेंशन में खोटता है, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। यस क्वेश्चन, डिपेंड करता है तेरा कौन से टाइप का पॉलिसी है। नॉर्मली LIC लोग एक साथ भरते हैं, बट इट कैन बी मंथली ऑल्सो। वो तेरा इंश्योरेंस कंपनी के साथ कौन से टाइप का पॉलिसी और कैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली लोग लाइफ इंश्योरेंस का 1 टाइम भरते हैं, साल में एक बार, बट यू कैन ऑल्सो पे मंथली यदि उन लोगों ने वो स्कीम रखा हो तो। बट ये अटमोस्ट गुड फेथ क्या है, आपको पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा, आप छुपाओगे नहीं। मेडिकल साइंस में सुसाइड किया तो हड्डी क्रैक हुई है, सुसाइड है क्या, मर्डर है, पता चलता है मेडिकल साइंस वालों को। यदि हड्डी ये साइड से है, टूटी हुई है, उनको मेरे कुछ पहचान के डॉक्टर्स हैं, वो लोग बताते हैं सुशांत सिंह राजपूत का वो सुसाइड हो या मर्डर हो, प्रॉपर मेडिकल यदि हुआ विदाउट मैनिपुलेशन तो बताया जा सकता है। अरे आग लगाई गई है, उसमें सिगरेट या माचिस जलाई है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, सब प्रूव हो जाता है भाई। और ID चैनल कुछ आता है, मैं तो देखता नहीं हूँ, बट वो खून साफ करने के बाद भी केमिकल आते हैं जिससे स्प्रे करके पता, आजकल स्प्रे
यू कैन फाइंड आउट. मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है. ब्लू लाइट आता है, मैंने कहीं पे यूवी लाइट या कुछ तो मैंने पढ़ा था. नाउ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इंश्योरर को भी करना पड़ेगा. मेरे केस में एक हुआ था, बट इट वॉज नॉट अ फ्रॉड, लेकिन शायद मैंने इंफॉर्मेशन कम लिया. इंश्योरर ने, अब HDFC का मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी, दो शब्द मिस हो गए, ऑप्टिमा रिस्टोर, अरे 2000 का प्रीमियम और बढ़ा लिया होता. मेरे एक फैमिली मेंबर एडमिट हुए, तो नॉर्मली हॉस्पिटलाइजेशन 5 या 10 लाख का कुछ पॉलिसी है, इट शुड हैव बीन फ्री क्योंकि बिल तो 50,000 ही आया, बट दे सेड नहीं, आपको 10,000 भरना पड़ेगा क्योंकि आपके पॉलिसी में वो ऑप्टिमा रिस्टोर या वो कुछ नहीं है, वो कुछ दो नाम, दो शब्द नहीं है, इसलिए 10,000. वो फिर जो डॉक्टर के कुछ कॉस्ट नहीं देते. फिर अभी इस साल मैंने वो जोड़ा, दो प्रीमियम कितना 25 का 28 आया. मींस नाउ हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो पूरा का पूरा, जो बोलते ना, नॉट ओनली द सर्जरी कॉस्ट, दूसरे कॉस्ट भी पूरा कवर होगा. तो जो भी था बंदा, एक्चुअली गलती इंश्योरर की नहीं है, उसने ठीक से बताया नहीं, उसकी गलती की वजह से 10 से 12,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गया, वरना वो पूरा का पूरा कवर में आता है. अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल गाउन, उसके जो ग्लव्स पहनते हैं, कुछ जगह पे वो काउंट नहीं होते. आपको आपका पॉलिसी बहुत बारीकी से देखना पड़ता है. सो अटमोस्ट गुड फेथ में, और मैं केस नहीं कर सकता, क्लियर कट है, आपने क्यों टर्म्स एंड कंडीशन, गाड़ी आपने गलत ले ली तो आपको चेक करना चाहिए था ना गाड़ी. इट बायर बीवेयर करके कंसेप्ट है, बायर की जवाबदारी होती है गाड़ी लेने से पहले चेक करे उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है. सो आई शुड हैव चेक, तो बाद में ख्याल में आया तो मैंने इस साल वो करेक्ट करवा लिया. अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरर ने बराबर बोलना चाहिए और इंश्योर ने सारा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए. मेडिक्लेम के टाइम में तो भाई कुछ भी छुपाया, बाद में पता चला आपको नहीं मिलेगा पैसा, ईमानदारी से सब बताना पड़ता है. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, भाई आप अपने वाइफ का इंश्योर करा सकते हो, बाजू वाले वाइफ का नहीं. आप गर्लफ्रेंड का इंश्योरेंस नहीं भाई, तो गर्लफ्रेंड का नहीं करा सकता. इट हैज टू बी रिलेशनशिप होना चाहिए. तू हाँ, तू शादी कर ले तो तेरा इंश्योरेंस वाइफ का तू करा सकता है. वाइफ, बच्चे, माता पिता, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. आप बोलोगे मेरा गर्लफ्रेंड के साथ इंटरेस्ट नहीं चलता है, इट हैज टू बी रिलेशनशिप स्टेटस. आपके फैमिली मेंबर्स का हो सकता है, मैं मेरा दुकान का कर सकता हूँ, बाजू वाले के दुकान का नहीं. आप अपने वाइफ का कर सकते हो, बाजू वाले वाइफ का नहीं, आंटी जी का नहीं कर सकते इंश्योरेंस. क्लियर कट कायदे हैं. क्रेडिटर, मैं डेटर का कर सकता हूँ, मेरे एम्प्लॉय का कर सकता हूँ. दूसरे, अच्छा दूसरे की दुकान का कराया, आग लगा दिया, कितना आसान है. कितने सारे इंश्योरेंस में फ्रॉड केसेस हुए. तो ये सब रोकने के लिए आपको अपना इंश्योरेबल वहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस डालना पड़ता है. रिलेशनशिप स्टेटस रहा तो ही मिलेगा पैसा, ऐसे किसी का भी आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते. सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट फैमिली, यस. क्रेडिटर डेटर का कर सकता है, फैक्ट्री में एम्प्लॉयज का कर सकते हैं, यस. तो आपको अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिसका आप करा रहे हो, आपकी खुद की गाड़ी है, दूसरे की गाड़ी का मैं क्यों कराऊँ, और करा रहा हूँ तो लागू नहीं होगा. दूसरे की गाड़ी का कैसे कराओ, फिर तो मैं जला के डैमेज ही करूँ ना. तो उसको रोकने के लिए आपको अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पे. आया समझ में? सो ये था इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. आपकी एक गाड़ी है 50,000 रुपये की, आपने भाई ने एक्सीडेंट किया, पूरा गाड़ी गया, तो आपको इंडेमनिटी मतलब भरपाई, आपको भरपाई मिलेगा. लॉस के पहले की स्थिति जो गाड़ी की थी वहां तक वो लाके छोड़ देंगे. आप प्रॉफिट नहीं कर सकते इंश्योरेंस, लेकिन एक लॉस समझो, आपका एक दुकान है. यहाँ पे आज मुझे बताया था मेट्रो में कौन से मॉल को आग लगी थी, शूज का एक दुकान, कॉलेज रोड में ही एक शू का दुकान को आग लग गई थी, 2-3 महीने बंद रहा होगा. सपोजिटली 1 महीने का प्रॉफिट है 1,00,000 रुपया, 3 महीना बंद था तो 3,00,000 रुपया का नुकसान हुआ ना. सो ये जो प्रॉफिट दुकान बंद है, इसका आप इंश्योरेंस करा सकते हो. यदि आग की वजह से धंधा बंद है तो आप लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी निकाल सकते हो एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस क्लोज डाउन ड्यू टू फायर. अरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो घुटने का इंश्योरेंस है, क्लियर कट है. और ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, उसको पूरा 15 करोड़ मिल गया था, दैट अमाउंट वॉज इंश्योर्ड. सो इन केस ऑफ एक्सीडेंट
यू विल गेट फुल अमाउंट, क्योंकि वो इंश्योर्ड था। आया समझ में? सो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में आपके धंधा बंद है तो जो प्रॉफिट आपको नहीं हो पा रहा है उसका इंश्योरेंस कर सकते, लेकिन आपका 50,000 का गुड्स को आग लग गया तो आप 60,000 नहीं क्लेम कर पाओगे। यस क्वेश्चन। वो अकाउंट हम लोगों ने सीखा ना कि ऐसे लॉस होता है तो हम लोग 6,000 लिखते हैं, लेकिन फिर ना 3,000 ही रिकवर होते हैं, फिर 3,000 लॉस होता है, उसका तो सवाल नहीं, वो पिछले साल का जीपी रेशियो के हिसाब से करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ऐसे वो प्रॉफिट देंगे नहीं, आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट देने पड़ेंगे, उस हिसाब से कितना प्रॉफिट अंदाजा निकाल के होगा वो स्टार्टिंग से ही प्रूव होगा। ऐसे थोड़ी वो लोग अंदाजन लॉस देंगे, ये अकाउंटिंग की बात है। इंश्योरेंस वाले बोलेंगे ओके, पिछले साल आप प्रॉफिट में थे, महीने का ये प्रॉफिट था बेस्ड ऑन योर रिकॉर्ड्स, तो हम उस प्रॉफिट जो है जो आप लूज करोगे उसके हिसाब से प्रीमियम, प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। और एक और चीज है, आपको डायबिटीज है, पहले तो इंश्योरेंस होता नहीं था, अभी होता है, बट प्रीमियम बहुत ज्यादा रहता है, पॉसिबल है लेकिन, और 65 एज के बाद में भूल जाओ, फिर इंश्योरेंस लगभग नहीं होगा। तो ये सब चीजें ख्याल रखनी है, जब कम एज में इंश्योरेंस निकालने से फिर बहुत फायदा होता है। अब इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, मैं इंडेमनिटी के बारे में और भी बताता हूँ। सब के सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। टेल मी, एक फैमिली में एक डेथ हो गई, आप उसका भरपाई कैसे करोगे? एक की जान चली गई, गरीब बोलेगा कि जान की कीमत क्या 5 लाख, और अमीर के जान की कीमत 5 करोड़, आप कैसे निकालोगे? सो लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बाकी फायर, मरीन, मोटर सब इंडेमनिटी, सब भरपाई होता है, लाइफ नहीं होता। सब लोग क्लियर है? लाइफ इंश्योरेंस, एक आदमी अपने वाइफ का इंश्योरेंस कराता है, ठीक है, वो उसकी डेथ हो जाती है, 5 लाख का पॉलिसी था, 5 लाख मिल जाएगा, बट वो भरपाई नहीं होता, वो तो पॉलिसी का रकम है। आप लाइफ का भरपाई कैसे कर पाओगे? सो लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी रकम मिलेगा बट इंडेमनिटी नहीं है। मेरे गाड़ी का लॉस हुआ 20,000, मुझे 20,000 मिल गया, भरपाई हुआ, बट लाइफ का भरपाई नहीं हो सकता। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन बड़ा गजब कंसेप्ट है। आपके पास एक कार है, आपने मस्त ड्राइव किया, जोरदार उड़ाया सामने वाले को, टोटल लॉस पूरा 5 लाख, उस टू व्हीलर में एक्सीडेंट किया था ना भाई ने, 5 लाख, कितना? 5 लाख टोटल लॉस हुआ, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख दे दिए। अब आप क्या करते हो? वो गाड़ी को बंगार में बेचते हो, 10-15 हज़ार तो आएगा, मेटल का वजन तो आएगा, तो डू यू एग्री आप प्रॉफिट में आ गए? इंश्योरेंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको टोटल लॉस हुआ है, वो आपसे एक लेटर ऑफ सबरोगेशन लेंगे, वो कार डैमेज उनके पास चली जाएगी, वो लोग बेच देंगे कार को बंगार में, 10,000 उनको मिलेगा इंश्योरर को, तो उसका लॉस हुआ 490, जो भी वो भरपाई करता है उस इंश्योरर का तो लॉस ही है। सो लेटर ऑफ सबरोगेशन बोलता है, यदि कोई भी वस्तु का टोटल लॉस हुआ या पार्ट का लॉस हुआ तो वो उनके पास जाएगा और वो उसको बंगार में बेच के अपना लॉस कम करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। एक आदमी, एक फैमिली मेंबर की डेथ होती है, वो थोड़ी इंश्योर को बोलता है ले ले जा बॉडी। सबरोगेशन में आप बॉडी कैसे दोगे? वो तो हिंदू मुताबिक जो अंतिम संस्कार करना होगा, मुस्लिम क्रिश्चियन में दफनाना होगा। सो लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन लागू नहीं होता, क्योंकि बॉडी आप थोड़ी दोगे। आया समझ में? यस क्वेश्चन। वो अलग चीज है, वो तो तेरा चैरिटी दृष्टिकोण है, इंश्योरेंस का उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ वो भी बता दो, यदि डेथ में डोनेशन, आंखें 6 घंटे के अंदर डोनेट होना चाहिए, और आपने यदि डोनेट किया बॉडी, इंश्योरेंस का जो भी रकम है आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, डेथ हो गई, वो मेडिकल इंस्टीट्यूट जाएगा, आज तारीख बताओ क्या है? 7 अगस्त, 7 अगस्त को सवेरे डेथ हुई 7 बजे, तो 6 घंटे के अंदर आए सर्जन या जो भी आएगा, 6 घंटे के अंदर कायदा है, आँख लेके जाएगा दोनों, फिर आप ये बॉडी डोनेट कर दोगे मेडिकल को, मेडिकल इंस्टीट्यूट को, मेडिकल इंस्टीट्यूट कोल्ड स्टोरेज में डाल देगा बॉडी। जिसको भी देखना है आज रात को, आज शाम तक आपके रिलेटिव जाकर मेडिकल इंस्टीट्यूट में बॉडी वो अलाउड करेंगे, बट मोमेंट 8 आ गया कल से, फिर आप सपोजिटली बॉडी
इज गॉन, फिर देखने को नहीं मिलेगा. सो सेम डे मेडिकल इंस्टीट्यूट अलाउड करता है. बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, इसका इंश्योरेंस से संबंध नहीं और डोनेशन का कोई संबंध नहीं, क्योंकि आप डोनेट करते हो आपको एक फुटी कौड़ी देगा नहीं कोई, वो तो आप दिल से कर रहे हो, ठीक है, हाँ, चैरिटी और डोनर के तौर पर आप कर रहे हो. नेक्स्ट एग्जांपल, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये तो बहुत गजब एग्जांपल है. आपने मोटर इंश्योरेंस 10 जगह से कराया 50,000 का, आपने मस्त आग लगा दिया, 50,000 10 जगह से कराया, 50,000 5,00,000, तब तो मैं ये काम छोड़ के आग ही लगाते बैठू अपना जिंदगी में, क्या बढ़िया काम हो जाएगा, कुछ नहीं. फिर आपको टीचिंग चाहिए तो जेल में आना पड़ेगा, ये इलीगल है. आप 10 लोगों से कराए, 10 लोग मिलकर आपको 50,000 से ज्यादा नहीं देंगे, कायदा है भाई. आप दो से ज्यादा इंश्योरर से करवा रहे हो तो दोनों से ज्यादा मिलकर आपको जो डैमेज हुआ है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. नहीं, तेरा पहला क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस में चार पांच, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में एक फर्क है, मैंने 2,00,000 का पॉलिसी निकाला, 3,00,000 4,00,000, तो तीनों के प्रीमियम भरे ना, तो तीनों से मुझे रकम मिलेगा. लेकिन गाड़ी का डैमेज 50,000 हुआ है तो 3 जनों से कराया तो 1,50,000 में प्रॉफिट नहीं कर सकता इंश्योरेंस. हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फ्रॉड नहीं हो सकता कि आप 5 जगह पे, और आजकल तो और टाइट कर दिया, आपका आधार कार्ड सब नेशनल लिस्ट में आ गया ना, डिजी लॉकर सब आ गया है, आप कहाँ से छुपा पाओगे. जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो कुछ लोग ने बदमाशी किया होगा, आजकल बहुत डिफिकल्ट, और आपने किया तो अरेस्ट हो जाओगे क्योंकि 420 का मामला आएगा. आप प्रॉफिट नहीं कर सकते इंश्योरेंस करके. LIC का आपको प्रीमियम भर रहे हो ना, ये 3,00,000 2,00,000 5,00,000 आपको मिल जाएगा, 10,00,000, क्योंकि आपने प्रीमियम भरे. और इंडेमनिटी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो आपको पॉलिसी रकम मिल जाएगा. यस, सॉरी, हर चीज पे अनलेस इंश्योरर रिजेक्ट कर दे कि ये चीज केमिकल फैक्ट्री है, बहुत ज्यादा रिस्की है, तो नहीं हो सकता, वो नहीं करे. या कोई न्यूक्लियर में काम कर रहा है, रेडिएशन, भाई मरने के चांसेस 10 गुना 25 गुना बढ़ जाते हैं. रेडिएशन, तेरा 10 मिनट तुमने झेल लिया रेडिएशन, तुम्हारा कैंसर 10 साल में हो जाएगा. होता है ना इंश्योरेंस, क्यों नहीं, गवर्नमेंट के रूल रहते ना, इंश्योरेंस होता है ना, सब वो तो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है. एज लॉन्ग, हाँ, उनका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि रिस्क ज्यादा है. रिस्की प्रोफेशंस में इंश्योरेंस का रकम अलग रहता है. कौन सा टाइप का प्रोफेशन है, क्या काम कर, ट्रैफिक पुलिसमैन बहुत ज्यादा होगा भाई, तुम लगातार रिस्क. और इसमें वैसे भी ट्रैफिक पुलिसमैन ट्रक ड्राइवर की लाइफ 10 साल कम रहता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड अदर नॉर्म्स. आया समझ में. फिर नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. आग लगी, आप देख रहे हो भाई, फायर ब्रिगेड को फोन करो, आग लगने का टाइम, फायर ब्रिगेड को फोन करने का टाइम, ये सब मैच होना चाहिए. आपने कुछ नहीं किया, पता चला, हो सकता है आप इंश्योरेंस कंपनी आपको ना दे. और वैसे भी ओ माय गॉड में था ना पिक्चर, OMG, OMG 2, 11 अगस्त को बोल रहे हैं, लेट्स सी अभी क्या होता है. तो वो एक्ट ऑफ गॉड था, एक्ट ऑफ गॉड था ना. तो मिटिगेशन ऑफ लॉस, आप, आग लगा, आपने कब फोन किया, क्या आपने केयर लिया लॉस कम करने का, ये सब प्रूव होगा, FIR दर्ज होगा. एक अंदाजन होता है, एक आजकल तो सब वीडियो शूट कर लेते हैं, नहीं करना ही पड़ेगा. यदि आग लगा कोई ना कोई तो फोन करेगा. एक फैक्ट्री में वॉचमैन रहता ही है, वॉचमैन ने कब फोन किया, टेक्नोलॉजी, अरे तू आज वाईफाई, एयरपोर्ट के वाईफाई से किसी को फ्रॉडलेंट या कुछ ईमेल भेजता है, ट्रैक हो जाएगा तेरे मोबाइल से. वो लोग पहले तो वाईफाई कहाँ से, पहले तो एयरपोर्ट देखेंगे, कैमराज है वहां पे, कौन से मोबाइल चालू होते, ऐसा गजब टेक्नोलॉजी है. फिर कहाँ से खरीदा सब पता चल जाता है आजकल. पब्लिक वाईफाई में भी तू बचेगा नहीं, छुपने की कोशिश से भी ट्रैक तो हो ही जाता है. सो लॉजिक इज, आग लगी है, फोन वो पहले करेगा फायर ब्रिगेड को, फिर FIR दर्ज होगा, फिर प्रूव होगा, अरे माचिस से जलाए के शॉर्ट सर्किट से, टेक्नोलॉजी से पता चलता है, देन फिर रिइंबर्समेंट तुम्हारा आ जाएगा. मींस यू मस्ट टेक ऑल द स्टेप्स टू मिनिमाइज और अवॉइड द लॉसेस. इफ इट इज प्रूव्ड आपने स्टेप नहीं लिया, इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज और रिड्यूस द अमाउंट. कंसेप्ट समझा. नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉजा प्रॉक्सिमा. आपने निकाला आग का और आपके घर पे होगी चोरी, आपको नहीं मिलेगा. और यहां का एग्जांपल भी बताता है,
आपने चोरी का निकाला और घर में आग लग गई, कैसे मिलेगा? तो नियरेस्ट कॉज दो कारण है, चोरी हुई फिर आग लगा तो मिल जाएगा, लेकिन आग लगा फिर कुछ वस्तु गायब हो गए, कैसे प्रूव होगा? नियरेस्ट कॉज क्या था? फायर। सो आपने किस चीज का इंश्योरेंस निकाला है? कारण अभी जैसे मैंने बताया, हो सकता है फ्लड्स का या रायट का नहीं हो क्लॉज, कॉज ऑफ विंडशील्ड ब्रोकन या डैमेज टू द व्हीकल इज रायट, नहीं मिलेगा। तो नियरेस्ट कॉज शुड हैव बीन मे बी फायर और एक्सीडेंट, बट दिस रायट डज नॉट कम अंडर देयर डेफिनेशन, तो कॉज में नहीं बैठता है, सो नहीं मिलेगा। हाँ, रायट, रायट में हुआ, पत्थर किसने मारा, मोस्टली तो नहीं मिलता है। सर, एक पूरी फैमिली है, उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है एंड वो पूरी फैमिली की एक साथ डेथ हो गई। हाँ, तो नियरेस्ट रिलेटिव, नियरेस्ट रिलेटिव में एक डेफिनेशन है, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, देन फादर मदर, ब्रदर सिस्टर्स, एक कायदे के तहत वो जाता है, मिलेगा ना। नियरेस्ट रिलेटिव शुड कम एंड क्लेम द अमाउंट, तो मिल जाना चाहिए, डूबेगा नहीं वो। यस, आप जब शिप का निकालते हो उसमें मरीन इंश्योरेंस कैन इंक्लूड द फायर इंश्योरेंस ऑल्सो। आपने कौन सा इंश्योरेंस निकाला है या आपने कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू निकाला है, कौन से टाइप का पॉलिसी है? अब फायर के भी 10 प्रकार है, मरीन के 10 प्रकार है, लाइफ के 150-200 प्रकार है, 10 भी नहीं, आपको जितने चाहिए उतना। तो आपने जो पॉलिसी निकाला है उसका नियरेस्ट कारण। अच्छा, एक और चीज़, आपने निकाला मेडिक्लेम, उसमें कैंसर लिखा ही नहीं है, आपको नहीं मिलना है। कुछ चीज़ें वो लोग क्लैरिफाई करते हैं, इसका आपको नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम मिल जाना चाहिए फिर। लेकिन आपके टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? 2 साल का वेटिंग है, 3 साल का वेटिंग है, कब डिटेक्ट हुआ, वो सब देखने के बाद। इंश्योरेंस में हजारों केसेस चल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं हमको नहीं दिया, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ो। अच्छा, एड्स, एड्स में हो सकता है वो दे ही नहीं, पहले टर्म्स एंड कंडीशन देखो, बाद में हुआ कैंसर तो मुझे लगता है देना चाहिए। अगेन, डायबिटीज रहा और अपने छुपाया तो नहीं मिलेगा, बाद में हुआ तो प्रूव हो गया, ओके बाद में हुआ तो फिर मिल जाएगा। कौन सा कॉला? क्या कॉला? ये इससे संबंधित है तो फिर वो छोड़ दो, इससे संबंधित मैं जवाब दूंगा फिलहाल। और कोई है सवाल? ये इसका जवाब मैं अलग से दूंगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाएगा फिर। कितने पॉइंट्स थे? 7 पॉइंट्स। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। नाउ ये 7 पॉइंट्स का स्टोरी है, प्रेयर हाउस। एक लड़का या जो भी आदमी है अब चर्च में जाता है। नाउ इफ यू सी क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी में क्या बोला रहता है? हैव फेथ इन मी। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को ये लोग मानते हैं, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट रहते हैं, बट विल नॉट गो इन टू दैट डिटेल। एक आदमी चर्च जाता है तो ऐसा सोचो, जीसस आते हैं और बोलते हैं मेरे पे फेथ रख, अटमोस्ट गुड फेथ, पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। अब सोचो एक दूसरा आदमी है, वो जाता है गुरुद्वारा, तो गुरु नानक जी बोलते हैं मेरा आशीर्वाद ले इंटरेस्ट के साथ। पहले वो चर्च जाता है, जीसस बोलते हैं मेरे पे फेथ रख, अटमोस्ट गुड फेथ। फिर एक आदमी जाता है गुरुद्वारा, तो गुरु नानक जी बोलते हैं मेरा आशीर्वाद ले इंटरेस्ट के साथ। फिर वो जाता है गणपति के मंदिर, वो बोलता है मेरे से कुछ पाप हुआ है माफ़ कर दो, तो बोलता है पाप किया तो इन भरपाई इंडेमनिटी करना पड़ेगा। और इसमें एक और है, गणपति इंडेमनिटी, थोड़ा सा शब्द मैच होता है। तो जो गणपति जी जो है मंदिर में जाता है, पहला किस में जाता है? चर्च में। तो चर्च में जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं? मेरे पे भरोसा रख, फेथ रख, अटमोस्ट गुड फेथ। फिर कहाँ जाता है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारे बोलते हैं गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, बहुत अच्छा शीरा मिलता है भाई। गुरुद्वारा जाता है तो गुरु नानक जी बोलते हैं मेरा आशीर्वाद ले इंटरेस्ट के साथ। वहाँ से कहाँ जाते हैं?
गणपति के मंदिर, वो बोलता है मैंने पाप किया है, भरपाई तो करना पड़ेगा, इंडेमनिटी। वहां से जाता है देवों के देव शिव जी के मंदिर, तो शिव जी बोलते हैं शिवलिंग पे कंट्रीब्यूशन कर पानी का, ठीक है। फिर वहां से जाता है साईं बाबा के मंदिर, साईं बाबा श्रद्धा और सबूरी, सबर तो कर, तुझे जो चीज चाहिए सबर, सबरोगेशन, सबर तो कर, सबरोगेशन। वहां से जाता है मुस्लिम अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह बोलता है लॉस से क्यों डरता है, आखिर सबको मिट्टी में मिलना है, मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है। वापस से पॉइंट नंबर वन, चर्च में जाता है, जीसस बोलते हैं मेरे पे फेथ रख, फिर गुरुद्वारे जाता है, गुरु नानक बोलते हैं मेरा आशीर्वाद ले इंटरेस्ट के साथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वहां से जाता है गणपति के मंदिर, गणपति जी बोलते हैं भरपाई तो देना पड़ेगा, इंडेमनिटी, या गणपति इंडेमनिटी भी मैच होता है। फिर शिव मंदिर में जाता है, मेरे शिवलिंग में पानी का कंट्रीब्यूशन कर। वहां से साईं बाबा मंदिर जाता है, साईं बाबा बोलते हैं सबर कर, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। फिर मस्जिद जाता है, अल्लाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने लॉस पे इतना डर क्यों रहा है, सब एक दिन तो मिट्टी में जाना है, मिटिगेशन ऑफ लॉस। और पारसी लोग फॉलो करते हैं फायर टेंपल, फायर टेंपल है ना पारसी लोग, तो जो पारसी के उनके जो फायर गॉड है वो बोलते हैं तेरे आग का कारण, बोलते ना अब तेरे आग का कॉज पता कर, ठीक है ऐसा सोच लो तो आपका हो जाएगा। एक लास्ट डिविजन, पहला चर्च जाता है, चर्च जाने का गुड फेथ, गुरुद्वारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, गणपति गणपति इंडेमनिटी, शिव मंदिर पानी का कंट्रीब्यूशन, फिर सबरोगेशन, फिर मिटिगेशन ऑफ लॉस जो है, और लास्ट में फायर गॉड जो पारसियों का रहता है वो कॉज आग का पता कर। इस प्रकार से ये 7 पॉइंट्स